बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दरक्षा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ग्रेवी। तो आइए देखते हैं हमारे पास सामान क्या क्या है। यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम चिकन है, और ये 3 प्याज कटा हुआ ले लिया है, और यहाँ पे हमने ले लिया है ये गरम मसाला है, 2 तेज पत्ता है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, और ये जीरा है आधा चम्मच, और ये लौंग है 4-5। यहाँ पे हमने एक कटोरी दही ले लिया है, अदरक का टुकड़ा हमारे पास है, और यहाँ पे हमने ले लिया है स्वाद अनुसार नमक, और 10-12 कली लहसुन की है। एक कटोरी में हमने ले लिया है ये हरा धनिया है, एक टमाटर हमने पीस लिया है यहाँ पे। अब मसाले देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 तेज पत्ता है। तो आइए हम चिकन में मिक्स करते हैं। यहाँ पे हमने चिकन में डाल दिया है ये दही, और ये थोड़ा सा नमक, और ये हल्दी पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। अभी हम इसको रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में रखने के बाद जब ये हमारा सेट हो जाएगा फिर हम इसको बनाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं बनाने की तरफ। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे ये दालचीनी के 2 टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, ज़ीरा और लौंग, और ये तेज पत्ता भी डाल देंगे इसी में। अभी हम इसमें डालेंगे ये प्याज। ये प्याज हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे इसको। ये देखिए प्याज हमारा फ्राई हो रहा है यहाँ पे। अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन, और ये अदरक का टुकड़ा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अभी हम इसको निकाल लेंगे मिक्सी के जार में। गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम इसको मिक्सी में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया है। अभी हम इसको पीसेंगे, थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको पीसेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए हमने यहाँ पे प्याज को पीस लिया है। अब हम फ्राई पैन में तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो आइए हम ये पेस्ट डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हाई करके अब हम इसको भूनेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए अभी हम इसमें डालेंगे ये नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार, और ये हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर और जीरा पाउडर और हरा मिर्च सब इसी में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे। अभी इसमें हम ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से ही डालिए, क्योंकि हमने चिकन में थोड़ा नमक डाल दिया है पहले से। अभी हमने उसमें फ्रिज में रख दिया है उसको। हल्दी नमक और दही मिक्स करके फ्रिज में हमने रख दिया। ये देखिए मसाला हमारा भून गया है। अभी थोड़ा सा हाई फ्लेम करके हम इसको और भूनेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने फ्रिज से इसको निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसको भी डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए चिकन हमारा लगभग भून गया है आज खूब अच्छे से। अब हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे इसमें, हरा धनिया। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। अब इसको 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 मिनट के लिए पका लीजिए आप। थोड़ा और पानी डाल दें। यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, इसको ढक देंगे। आइए अब खोल के देखते हैं कि हमारी ग्रेवी कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मसाला से हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया बनी है। ये देखिए, ये देखिए। आप भी अपने घर पे ट्राई करें और फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। मसाला खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती है। आइए अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए मसाला हमारी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनी है। आइए अब हम निकालते हैं, सर्व करते हैं। आप भी अपने घर पर ट्राई करें, फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।